यू कैन सी कितनी बारिश हुई हुई है और बहुत बुरी हालत है. जितने भी पक्षी हैं वो मांझे की वजह से दे आर ऑल स्टक इन देम, फंसे हुए हैं और बारिश हो रही है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डेथ. अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता व्हाई डू पीपल डू दिस. आपके थोड़े से फन के लिए आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितनी जाने आप लोग ले रहे हो, और ये एग्जैक्ट एकदम आप पे है. ऐसा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं टाइप्स, नहीं, आप अपने सेल्फिशनेस के लिए इतना कर रहे हो. इट्स नॉट गुड मैन. तो अभी वी आर जस्ट गोइंग टू रिलीज द स्नेक, फिर उसके बाद वी हैव टू पिक सम बर्ड्स अप जिनके बहुत बुरी हालत है. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. बहुत सस्ते में बहुत दर्दनाक मौत बेचारों को मिल जाती है. अभी क्या हो रहा है, आई टेल यू द सिनेरियो. अभी पेड़ों पे मांझा उलझा हुआ है जो कि ऐसे दिखता नहीं है. बारिश इतनी हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी बारिश होने वाली है. इतनी ज़्यादा बुरी हालत है अभी, और बेचारे शेल्टर ढूंढने के लिए पेड़ों में जा रहे हैं. The beautiful, they are called Indian flying fox, fruit bats. Bag mein gloves hain. Yeah, we lost a very beautiful creature, man. Shit, man. Shit. इसके यहाँ पे ना पूरा शेड बंधा हुआ था. यहाँ पर पूरा बंधा हुआ था इसके. ये वाली जगह है जो पूरा बंधा हुआ था. This was the thing, man. It was beautiful. It had to be beautiful, but so now you can see. Thanks to this guy, इन्होंने को बहुत बचाने की कोशिश की. आप थोड़ा बताओ जरा कैसे कैसे पूरा ये हमारे यहाँ पीछे पेड़ के नीचे लटका हुआ था, फिर हमने इसको रेस्क्यू किया वहाँ से और ला के हमने. पहले तो हमें डर लग रहा था क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो रहा था. उसके बाद हमने कोशिश की कि हम ट्राई करें, मतलब कि इसको हम खोल दें थ्रेड इसका. फिर हमने इसका थ्रेडिंग वगैरह खोला और इसको डिस्टर्ब बिल्कुल कोशिश नहीं की हमने क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो रहा था. इसको पूरा यहाँ से बंधा हुआ था ये पार्ट उसका पूरा. वी कैन सी मैन. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल. दिस इज आकाश विंबल. हाउ यू गाइस डूइंग? I am back with another video. I'm sure बहुत सारे YouTubers, vloggers और पता नहीं कौन कौन लोग they are selling kite threads and they are just celebrating everything. बहुत सारे vlogs बनाए हैं उन्होंने और बाकी सब. मैंने सोचा नहीं था ये video बनाने के लिए, but I had to make this video. जितने कि आप लोग मुझे जानते हैं जहाँ तक कि I had to make this video. कुछ time पहले there was a law जहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेट किया था कि चाइना से जितना भी मांझा आता है, द काइट थ्रेड दैट वी यूज, उसके ऊपर एक ग्लास लेयर होती है. वो चाइनीज मांझा इज एक्चुअली में द प्लास्टिक थ्रेड. वो थ्रेड भी नहीं होता है, वो प्लास्टिक होता है, प्रॉपर प्लास्टिक होता है. यू कैन नॉट ब्रेक इट लाइक दैट, यू हैव टू कट इट. एंड दैट वॉज बैंड, लाइक इट वॉज अराउंड 3 or 4 years अगो ऐसा कुछ हुआ था. पीपल बहुत सारे लोगों ने इसको अगेंस्ट में जाकर बातें पता नहीं क्यों बोली. हर साल पता नहीं कितने लोग मरते हैं इससे. अभी इस साल भी अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक बंदा, ही वॉज राइडिंग हिज मोटरसाइकिल, ही वॉज ऑन अ हाईवे और एकदम से ऐसे मांझा जा रहा था और उसके गले में लगा. एंड इट्स एक्चुअली में यू नो बहुत ही अजीब. मैंने फोटोग्राफ देखा था तो इट इज़ एक्चुअली मैं बीइंग इन माय माइंड. उसका पूरा गला कट चुका था बहुत गलत तरीके से एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट ऑब्वियसली. सिर्फ ये नहीं है, हम इंसानों का परसेप्शन थोड़ा सा छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं. सिर्फ पक्षियाँ, सबको पता है पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मांझे से, सबको पता है. आज हम सिर्फ पक्षियों की बात नहीं करेंगे, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द स्क्विरल्स. एक दो पपीज के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं. आई हैड द डेटा इन माई फोन.
पर दैट ब्रोक, मेरा फ़ोन में डेटा था और वो टूट चुका है मेरा फ़ोन, तो आई लॉस्ट द डेटा. पर एक पपी में भी हो चुका है. जस्ट जस्ट सम थिंग्स, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम जहाँ 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 पर भी जा रहे हैं और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो हर जगह जाकर दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द मांजा अराउंड. काइट थ्रेड्स कहीं हैं, अगर वो पेड़ पे बहुत ऊपर भी हैं तो वी आर गेटिंग इट डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बर्ड्स के लिए. और जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन में मैनी बर्ड्स वर attracted towards the city, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी population हो गई थी उनकी. It was really being beautiful, but now you can see what the hell is going on. So you can see we have a beautiful falcon. ये अभी था, इसके पूरे पंख में this मांझा, ये मांझा पूरा फंसा हुआ था. और just because इनके talents इतने ज़्यादा strong होते हैं और इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से फंस जाता है. ये बेचारा he was lying over here ऐसे झाड़ियों में. He seemed so strong. हमें लगता तो नहीं इसको कोई चोट वगैरह कुछ लगी है. You can see this is a beautiful falcon. I guess this is a sucker falcon. ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में. It's a very nice man. It's a beautiful bird. और ये इसने सिर्फ ज़रा सा नेगल लगाया है. हम केज भी लेकर आए थे इसके लिए, हमें लगा कि ज़रूरत होगी. तो यू कैन सी दिस इज़ अ प्लास्टिक मांझा प्रॉपर वाला एकदम. लेट्स सी अगर ये उड़ता है तो थोड़ा वेरी नाइस, देयर ही गोज. और अभी कौवे पंगे लेंगे उससे, देन ही विल गो. बहुत अच्छे से उड़ा है ना ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. वेरी नाइस. तो यू कैन एक्चुअली मे सी नाउ, यू कैन जज Now you can judge, ये प्रेडेटर है, मतलब ये और पक्षियों को मारकर खाते हैं. और अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या ही होगा. और जो कि कम हो रहे हैं, अगर हम नहीं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा बंद है. यहाँ का जो केयरटेकर है, ही सॉ दैट बर्ड एंड ही टोल्ड अस कि ऐसे एक बर्ड है वो गिरा हुआ है, एंड ही वॉज जस्ट ट्रैप्ड इन दिस. दिस इज द प्लास्टिक मांझा जो कि नॉर्मली होता है. अगर हम इसको जलाते भी हैं तो भी एकदम प्लास्टिक की तरह जलता है ये, एंड देयर इज नो थ्रेड इन दिस. सो प्लीज थोड़ा दिमाग से काम लीजिए. बहुत ज्यादा चोट है इसकी, लिंग की ये वाली हड्डी देख रहे हैं ना. हाँ, ये मांझे से ही है, मांझे से ही है. पतंग वतंग उड़ाते हैं ना, मांझे से ही लग गया इसके. लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इसको, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है लोगों को. जितने व्लॉगर्स हैं, जितने वीडियो क्रिएटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो माइट बी नोइंग. और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बट दे डोंट रियली फील एनीथिंग अबाउट दिस. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हम जिसके थ्रू जा रहे हैं. दिस यूज़ टू बी ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छे से उड़ सकता था, पर अभी इस ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं उड़ पाएगा. ये अभी जवान है, बट ही वोंट बी एबल टू फ्लाई अगेन. तो अब हम इसको परमिशन तो है नहीं हमारे पास इसे रखने के लिए, तो वी हैव टू गिव हिम टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर. और हम अभी ही जा रहे हैं, और वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर द बर्ड्स हु हैव बीन हर्ट बिकॉज ऑफ दिस काइट थिंग्स. सो दैट्स हाउ इट इज़. इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेसिमेन मैन.
और मैं ज़्यादा क्लोजअप नहीं लूँगा उस चीज़ का, वरना ग्राफिक वीडियो मुझे करना पड़ेगा। एंड इसको हम लेकर जाते हैं अभी। तो अगर आप पतंग उड़ाए बिना नहीं रह सकते हैं तो एटलीस्ट आप कॉटन वाला जो जो वाइट कलर का थ्रेड आता है, आई फॉरगॉट द नेम, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत मिक्स होता ही है फाइबर। तो मेरी तरफ से अगर आप इतना कर सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट फ्लाई काइट्स, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। आई डोंट नो हाउ, पर ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है इन जानवरों के लिए। इट इज़ एक्चुअली में गिविंग देम द पेन दे डोंट डिज़र्व। बहुत गंदी मौत से मर रहे हैं। मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने वाला था बर्ड्स के, वहाँ पर आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज, पर मुझे लगा कि वो ज़्यादा हो सकता है। दे हैड 4,000 बर्ड्स जो कि सिर्फ मांझे से कटे हुए हैं और वो अभी भी उनके हैं, उनके पास ही हैं, एंड दे कैन नॉट फ्लाई अगेन। सो इमेजिन यहाँ पर बहुत सारा मांझा है जो कि था भी, अगर हम देख रहे हैं तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट सी वहाँ से अगर कोई बर्ड उड़ता हुआ आता है, यहाँ पर कहीं भी ज़रा सा भी होगा, हिल शॉल बी एंटैंगल्ड इन दैट और वो फंस जाएगा। आज से थोड़े टाइम पहले की बात है, इस वाले पेड़ के अराउंड यहाँ पर एक इंडियन ब्लैक काइट हुआ करती थी जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालता था, और वो वहाँ से लटकी मांझे से एंड दैट बर्ड डाइड। सो अभी ये सिर्फ 3-4 घंटों की क्लिप्स है एंड यू कैन सी दैट हमें ये भी पड़ा हुआ मिल गया, ये कोई और यूज़ कर लेता तो वी गॉट दिस। बहुत और सारे वीडियोस थे बट आई लॉस्ट माय फ़ोन एंड आई लॉस्ट माय कैमरा, माय सिस्टम आल्सो, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा कंटेंट हमारा चला गया। आई वाज हैविंग मेनी क्लिप्स। ये सब है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। हमारे पास और कोई रीज़न नहीं है हम इसके साथ क्या करेंगे। अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो फॉर श्योर ये या तो पानी में जाएगा, वहाँ पर यू नो कितनी बुरी हालत हो जाती है, और यहाँ पर रहेगा तो फॉर श्योर किसी के पैरों में उलझेगा और ऐसा कुछ होगा। ट्रैफिक वॉइसेस हमेशा से वेलकम्ड है मेरी वीडियो में क्योंकि यहाँ पर रोड है एक, एंड जस्ट सी द अमाउंट ऑफ इट। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड द बेस्ट चॉइस फॉर देम इज़ ये रिसाइकल भी नहीं होते हैं पहली चीज़, और यू कैन सी दिस इज़ प्योर प्लास्टिक, दिस इज़ प्योरेस्ट प्लास्टिक, एकदम प्योर प्लास्टिक है ये, और ये रिसाइकल भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम इज़ कि हम इसको ख़त्म कर दें। आई नो थोड़ा बहुत एयर पॉल्यूशन होता है इससे, पर एटलीस्ट इसके बाद नो वन विल यू नो विल बी एबल टू यूज़ दिस।